अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं एसएस बुखारी और आप देख रहे हैं एसएस बुखारी अपडेट, मिडल ईस्ट की खास रिपोर्ट। इस बार खुद नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल खतरे में। इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने ऋषि सुनक से मुलाकात के दौरान ये स्पीच में कहा कि इसराइल खतरे में। अब आपको बताऊं ऐसा क्या हुआ जो इसराइल खतरे में सरकार के खिलाफ, और ये यहूदी समाज खुद कर रहा है, और यहूदियों के साथ फिलिस्तीन के लोग भी मिल गए हैं, और सारा समाज इस वक्त इसराइल के खिलाफ यहूदी समाज प्रदर्शन कर रहा है। नेतन्याहू ने ऐसा कानून बना दिया जिससे प्रदर्शन हो रहे हैं। अब कानून कोर्ट कोई कुछ भी नहीं कर सकता, नेतन्याहू को नहीं हटा सकता है। यानी कानून को तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए बना दिया। अब आपको बता दूं, मोसाद के 10,000 से ज्यादा जो ऑफिसर थे वो खुद इस प्रदर्शन में शामिल है। जी हाँ, ये सबसे बड़ा झटका है इसराइल को, और आधे से ज्यादा सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं आ रहे। पुलिस, बीएसएफ, सिक्योरिटी गार्ड, वो सब ड्यूटी पे नहीं आ रहे, क्योंकि अगर बीएसएफ, सिक्योरिटी, पुलिस ड्यूटी पे आएगी तो गोले दागने पड़ेंगे पब्लिक के ऊपर, इसलिए वो नहीं आ रही। लाठी चार्ज भी करना पड़ेगा, इसलिए नेतन्याहू ने लंदन में साफ साफ कह दिया, आगे आने वाले दिनों में अगर सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पर नहीं आए, इसराइल खतरे में पड़ जाएगा। जी हाँ, अल्लाह की लानत नेतन्याहू पे, अल्लाह की लानत, जिल्लत भरी जिंदगी, मुसलमानों का जहरीला कातिल। लंदन में भी प्रदर्शन नेतन्याहू के खिलाफ चल रहा है। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब पर जरूर करें। धन्यवाद।